साल की तरह इस साल भी आदर्श नगर पंचायत हैदराबाद में मां कालिका देवी मंदिर के प्रांगण में 31 दिसंबर को रामायण का शुभारंभ किया जाता है और 1 जनवरी को रामायण की चौपाइयों के साथ रामायण का समापन किया जाता है। इस तरह पुराने साल 31 दिसंबर को रामायण का शुभारंभ किया जाता है और नए साल में उसका समापन किया जाता है। इस कार्यक्रम लगभग 35 साल से जारी है। इस तरह पुराने साल में रामायण का शुभारंभ करके नए साल में समापन किया जाता है। फिर उसके बाद मां कालिका देवी मंदिर के प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग आकर बढ़ चढ़ कर भंडारे में हिस्सा लेते हैं और माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और रामायण 31 दिसंबर में करने का इसका मतलब यह है कि इस साल को सब लोग विदा करते हैं, रामायण की चौपाइयों के साथ पुराने साल को पूर्ण विधि विधान के साथ समापन करते हैं और रामायण की चौपाइयों के साथ नए साल का शुभारंभ भी करते हैं कि नया साल अच्छा हो। और इसी खुशी में विशाल भंडारे का आयोजन है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। दुनिया में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं अश्विनी सिंह, जिला संवाददाता। हम इस समय आदर्श नगर पंचायत हैदराबाद में पहुंचे हैं, मां कालिका देवी मंदिर के प्रांगण में। और यहां पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 31 दिसंबर को रामायण का आयोजन किया जाता है और 1 जनवरी यानी 1 जनवरी को रामायण का समापन किया जाता है। फिर उसके बाद विशाल भंडारे का यहां पर आयोजन किया जाता है। आइए आप लोगों को हम मां कालिका देवी के दर्शन कराते हैं। यह मंदिर है मां कालिका देवी, ये मंदिर है यहां पर। और यहां पर हर साल की तरह 31 दिसंबर को यहां पर रामायण का प्रोग्राम किया जाता है और 1 जनवरी को यहां पर समापन होता है। फिर हर वर्ष की तरह विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और विशाल भंडारे का आयोजन होने के बाद यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पर लोग आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है यहां पर। और यहां पर इस वर्ष भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह, उन्नाव। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।